आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आपको बताने वाला हूँ मैं आज कि आपने ऐसे कौन से ड्रीम्स जो है उसके ऊपर पानी छोड़ दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। काफ़ी ऐसा होता है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा रहती कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे गोल्स है, मगर हो ऐसा जाता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, और फिर इसलिए हम उसके ऊपर पानी फेर देते। अब लोग क्या कहेंगे, मतलब कि भाई मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, वो करूं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या तो लोग क्या, मतलब लोगों का एक ये कि लोग क्या कहेंगे, वो अच्छा दिखेगा नहीं लोगों के सामने और मुझे वो शोभा देता नहीं है, तो इसलिए फिर लोग क्या कहेंगे हम करते नहीं। मेरी ड्रीम है, मेरे सपने हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरे एस्पिरेशंस हैं, मेरी कोई इच्छा है, मेरी कोई वांट्स है और वो मुझे पूरी करनी है, मगर लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी हमने एक रेस्टोरेंट चालू किया ट्रीट नाम का। मैं वैसा डॉक्टर हूँ पेशे से, साइकियाट्रिस्ट हूँ, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, मगर बहुत दिन से मेरे दिमाग में था कि भाई नहीं, हमने ना एक अच्छा स्वाद वाला रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए अकोला में। और फिर उसमें किसको मैं पूछता था, बोलता था, मेरे दोस्तों बताता, तो लोग बोलते नहीं यार आपको शोभा देता नहीं होटल चलाना, आप एक डॉक्टर हो, होटल क्यों चलाते हो, आप रेस्टोरेंट क्यों चलाते हो, शोभा देता नहीं। तो लोग क्या कहेंगे कि इसमें मैंने काफ़ी उसको पोस्टपोन करते गया, कम से कम 2-3 साल से मैं उसको पोस्टपोन करते गया। आखिर मुझे ये मालूम पड़ा कि अरे मैं लोगों को भाषण देता हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों को अच्छा खाना खिलाने में मज़ा आता है, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने मज़ा आएगा, लोगों को भी खिलाएंगे, अपन भी खाएंगे, मज़ा करेंगे। और एक अच्छा स्पॉट है अपने पास में, हमारे पास में एक अच्छा स्पॉट था, वहाँ चालू करेंगे ना, नफा ना थोड़ा, नहीं मिला तो नहीं मिला, प्रॉफिट क्या प्रॉब्लम है, और लोगों ने खुश होकर जाना चाहिए, अपने को अच्छा लगता है। तो मैंने वो ड्रीम मेरा पूरा किया और हमने होटल चालू किया पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, मतलब 1-2-3 महीने हुए चालू कर। इसलिए फिर हमने एक रेस्टोरेंट चालू किया पिछले 3-4 महीने पहले कि जो हमको, मतलब मुझे करना था वो मैंने कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे ये बाजू कर दिया। देखो लोग क्या कहेंगे उसमें और एक उसका आस्पेक्ट ये है कि समझो मैं उसमें फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, फिर अच्छा दिखता नहीं, तो लोगों को फियर ऑफ फेलियर है, फेल होने का डर है, और फिर लोग क्या कहेंगे फेल हो गया तो वो अच्छा दिखता नहीं, इसलिए भी लोग करते नहीं है। फेल होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होके गिरे रहना ये प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होने की प्रैक्टिस करना चाहिए। फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होके गिर गए तो वहाँ से उठ के खड़े रहना चाहिए, कपड़े झटक के फिर से काम करना चाहिए। तो फेल होना ये एक मतलब नया रास्ता खुलने का या खोलने का एक नया रास्ता हो सकता है फेल होना। तो इसलिए मैं हरदम बोलते रहता हूँ, या तो आप फेल हो सकते हैं, या तो आपको तजुर्बा आ सकता है, या आपको एक्सपीरियंस आ सकता है। फेल होना जो है ना अपने डिक्शनरी में से आज से निकाल डालो, कोई फेल होने कार्यक्रम ही नहीं है। आप सफल होंगे या आपको तजुर्बा आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो आप तो एक तो सफल हो जाएंगे या आप तो आपको सीखेंगे, तो सीखना आपके लिए संभव है। तो लोग क्या कहेंगे इसमें मत जाइए, लोगों का काम है कहना, जो लोग कहेंगे वो कहने दो। ऐसा बोला जाता है कि लोगों की सुनो, सबकी सुनो, लोगों की भी सुनो, जो अपनी मर्जी है वहाँ से फिर काम करो। तो सुनना सबका है, करना अपने मन का है। लोगों जो भी सुनते हैं वो मतलब है प्रिकॉशनरी मेजर, या कोई उसका पिटफॉल्स या कोई गड्ढे है तो लोग बताएंगे, तो लोगों का सुनना चाहिए, वहाँ से अपने को जो लेना हो लेना चाहिए। मगर जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, जो नकारात्मक बोलने वाले लोग हैं, जो आपको प्रोत्साहित नहीं करते ऐसे लोग हैं, उनकी कभी भी सुनने का नहीं है। वो लोग आपके होलसेल में घूम रहे हैं, आपके आजू बाजू में होलसेल में ये लोग घूम रहे कि जो आपको बोलेंगे जमेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये करो मत ऐसा। तो आपको जो भी लगता हो करो, आपके ड्रीम को मत छाटो, आपके ड्रीम को पानी में मत डुबाओ, आपके जो ड्रीम है, आपके जो गोल्स है, तो लोग क्या कहेंगे इसके लिए वो करने का नहीं, ऐसा आज से आपको करने का नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हमारा मकसद है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, तो इसमें आपकी मदद हो जाएगी। यदि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लोगों का मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, लोग अच्छे काम करेंगे और एक अच्छा भारत देश हम, मतलब बहुत शक्तिशाली भारत देश हम तैयार कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।